एक बड़ी खबर चुरू से, इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में लापरवाही सामने आई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, चुरू से बड़ी खबर, तारानगर बीसीएमओ को निलंबित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यनी ने निलंबित किया है। तो चुरू से ये बड़ी खबर है और हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता कौशल कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कौशल, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी प्रियंका, मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चुरू होट सीट में शुमार है, लेकिन अब जो पारा है वो चुरू का बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले चुनावों में जो ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव में पहले लापरवाहियां होती थी चुनावों में, लेकिन अब की बार जो पुष्पा सत्यानी है डीएम चुरू, उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए लोकसभा चुनाव में लापरवाही को लेकर एक बीसीएमओ है डॉक्टर चंदन सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी ने त्वरित कार्यवाही की है। निर्वाचन कार्यवाही में लापरवाही हुए बिना इजाजत मुख्यालय छोड़ना उनके लिए भारी पड़ा और उन्हें निलंबन काल में जो है वो चुरू निर्वाचन विभाग में। कौशल, कौन सी लापरवाही इतनी बड़ी हो गई कि निलंबित कर दिया? लोकसभा चुनाव, आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और कई प्रत्याशियों के भाग्य आज दांव पर लगे हुए हैं, ऐसी कौन सी लापरवाही? बताना चाहूंगा कि उनकी ड्यूटी है वो निर्वाचन विभाग द्वारा लगाई गई थी, लेकिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचकर उन्होंने जिला मुख्यालय को ही छोड़कर कहीं चले गए। ऐसे में पूरी जानकारियां नहीं मिल पाई है, लेकिन जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं और निलंबन काल में तुरंत प्रभाव से उनका जो जो क्षेत्र है वो चुरू निर्वाचन विभाग किया गया है, उन्हें तुरंत ड्यूटी पर यहाँ आने के आदेश फरमाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सरकारी कर्मचारी लोकतंत्र के जो ये पर्व मनाया जा रहा है इसमें अगर लापरवाही बरतता है तो ऐसी कार्यवाही लाजमी भी बनती है और होनी भी चाहिए, जिससे कि निष्पक्ष और सही ढंग से मतदान किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कौशल इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, तारानगर बीसीएमओ को निलंबित कर दिया गया है, तारानगर बीसीएमओ को निलंबित किया गया है, चुरू से ये इस वक्त की बड़ी खबर।